ऑलराइट, तो गाइज रियलमी ने आज इंडिया में लॉन्च कर दिया है अपना रियलमी 9 5G और रियलमी 9 5G SE यानी कि स्पीड एडिशन। प्राइसिंग की बात करूं तो दोस्तों रियलमी 9 5G की जो प्राइस है वो स्टार्ट होती है 15,000 रुपये से 464 GB के लिए, और जो रियलमी 9 5G स्पीड एडिशन है उसकी प्राइस दोस्तों 6 GB प्लस 128 GB वाले वेरियंट की एग्जैक्ट 20,000 रुपये है। तो वैसे भी दोस्तों ज़्यादातर लोग जो है वो रुके हुए थे रियलमी 9 स्पीड एडिशन के लिए, क्योंकि उसमें स्नैपड्रैगन 778 आने वाला था, 144Hz की स्क्रीन होने वाली थी, और ये सब कुछ दोस्तों आया है इस फ़ोन में। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Realme 9 5G स्पीड एडिशन के प्रोज और कॉन्स के बारे में, क्योंकि वहाँ पर अच्छी चीज़ें तो आपको काफ़ी मिली है, लेकिन उसके साथ ही दोस्तों 20,000 में जो बाकी फ़ोन में फ़ीचर्स होते हैं ऐसे काफ़ी फ़ीचर्स आपको उस फ़ोन में देखने को नहीं मिलते हैं, मतलब काफ़ी सारे कॉन्स भी आपको देखने को मिले हैं, प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। तो ऐसी 4 प्रॉब्लम्स मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको डेली देखने को मिलते रहेंगे। खैर चलिए वीडियो सीधा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इस फ़ोन के प्रोज के बारे में यानी कि अच्छे फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों 6.6 इंचेस का IPS डिस्प्ले है 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ। अब इस प्राइस रेंज में दोस्तों ये पहला फ़ोन है जिसमें आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट मिलता हो, और Realme का भी ये पहला ही फ़ोन है जिसमें 144Hz का रिफ्रेश रेट मिला हो। तो इसकी वजह से डिस्प्ले दोस्तों काफ़ी स्मूथ बन जाती है और गेमिंग के लिए ये डिस्प्ले काफ़ी अच्छा होता है। तो डिस्प्ले वाइज दोस्तों फ़ोन अच्छा है, लेकिन डिस्प्ले में एक कॉन्स भी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल बात कर लेते हैं अच्छे फीचर्स के बारे में। तो दूसरी यहाँ पर बड़ी हाईलाइट है फ़ोन की, अच्छा फीचर्स मैं कहूँगा वो है फ़ोन का परफॉर्मेंस, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको दिया गया है स्नैपड्रैगन 778 वाला 5G चिपसेट जो कि 6nm फेब्रिकेशन पर है, काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है और पावरफुल भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो एंटीटू स्कोर है वो आपको 5 लाख के प्लस देखने को मिलता है। तो नो डाउट यहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिलेगा। BGMI में आपको यहाँ पर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल जाएगा, 90fps का ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन गेमिंग यहाँ पर आप काफ़ी स्मूथली कर पाएंगे। तो ये जो वैसे भी ये फ़ोन है वो एक गेमिंग के लिए फ़ोन है, परफॉर्मेंस बेस्ड फ़ोन है, तो यहाँ पर फीचर्स आपको गेमिंग के ही अच्छे देखने को मिलते हैं। तो दूसरी बड़ी हाईलाइट दोस्तों कहेंगे इस फ़ोन का परफॉर्मेंस। इसके अलावा फ़ोन में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलता है, तो अलग से यहाँ पर मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं आप लोग, स्टोरेज को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, एंड इसके अलावा 3.5mm का हेडफोन जैक भी आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है, और 5000mAh बैटरी है, 30W का यहाँ पर चार्जर आपको बॉक्स में ही देखने को मिलता है। तो ये सारे अच्छे फीचर्स आपको इस फ़ोन में देखने को मिलते हैं, लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों इस फ़ोन में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में यानी कि फ़ोन के कॉन्स के बारे में। तो सबसे बड़ा जो कॉन्स है वो है दोस्तों फ़ोन के कैमरे में, क्योंकि यहाँ पर आपको वैसे तो रियर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, लेकिन जो प्राइमरी सेंसर है वो सिर्फ 48MP का है, और ऊपर से यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर भी नहीं दिया है, 2-2MP के मैक्रो और डेफ दे दिए हैं जो कि बिल्कुल यूजलेस होते हैं। अब बाकी सारी कंपनियों को हम लोग ये यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं कि ये 2-2MP के मैक्रो और डेफ हटा दीजिए, और Xiaomi ने हटा भी दिए है, लेकिन Realme ने तो भाई अल्ट्रा वाइड ही हटा दिया, अल्ट्रा वाइड की तो ज़रूरत होती है, मैक्रो और डेफ तो अगर आप चाहें तो हटा सकते हैं, वैसे भी यूजलेस होते हैं, लेकिन अल्ट्रा वाइड आपको यहाँ पर देना चाहिए। और यहाँ पर जो प्राइमरी सेंसर है 48MP का, उसके अलावा अगर कोई अच्छा सेंसर यहाँ पर मिलता तो भी अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर कैमरा जो है वो अच्छा नहीं है, एंड इसके अलावा फ्रंट साइड में 16MP का सेल्फी कैमरा है, तो उसे यहाँ पर हम लोग ठीक ठाक ही कहेंगे। खैर इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम्स की बात करूँ तो वो है यहाँ पर दोस्तों इसके सॉफ्टवेयर में, क्योंकि अभी जो इंडिया में फ़ोन आ रहे हैं काफ़ी सारे 90% फ़ोन में आपको एंड्रॉयड 12 देखने को मिल रहा है, लेकिन ये फ़ोन आता है दोस्तों एंड्रॉयड 11 पर, तो यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स हमें एंड्रॉयड 12 भी मिलना चाहिए था, इसलिए मैंने इसे भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर, प्रॉब्लम तो नहीं लेकिन कॉन्स तो इसे हम लोग कह ही सकते हैं कि एंड्रॉयड 12 के साथ ये आता तो अच्छा होता। खैर इसके अलावा यहाँ पर एक और कॉन्स आपको मैंने कहा था कि डिस्प्ले में भी है, तो डिस्प्ले में ये फ़ोन आता है दोस्तों 20,000 की प्राइस रेंज में, और अब अगर आप लोग इंडिया में देखें तो 15,000 या फिर उससे नीचे के प्राइस में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले विथ 90Hz रिफ्रेश रेट मिलने लगा है, और इस फ़ोन में आपको IPS पैनल दिया गया है 144Hz के साथ, तो 144Hz से मुझे कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर एमोलेड विथ 90Hz होता तो भी अच्छा होता इसके मुकाबले, हालाँकि 90Hz और 140Hz में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, लेकिन फिर भी AMOLED और IPS में भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो AMOLED स्क्रीन यहाँ पर होना चाहिए था,
तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम्स मुझे इस फ़ोन में देखने को मिला है। भले ही ये गेमिंग के लिए है लेकिन फिर भी एमोलेड स्क्रीन यहाँ पर होनी चाहिए थी। और इसके अलावा एक और कौन यहाँ पर आपको मिलता है, सिंगल स्पीकर। अब दोस्तों 10,000 की प्राइस रेंज में जो इस टाइम पर फ़ोन आ रहे हैं उनमें भी आपको ड्यूल स्पीकर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर 20,000 में भी आपको सिंगल स्पीकर मिल रहे हैं, ड्यूल स्पीकर यहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो ये भी एक कौन सी हम लोग कहेंगे, लेकिन इससे आपको इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दो चीज़ें यहाँ पर सबसे बड़ी है, सबसे पहला तो कैमरा, क्योंकि भले ही ये फ़ोन एक गेमिंग बेस्ड फ़ोन है, लेकिन अगर मान लीजिए आप लोग आप गेमर्स हैं और आप गेमिंग के लिए एक अच्छा फ़ोन खरीदना चाहते हैं, तो आप लोग सिर्फ कंटिन्यू गेमिंग ही नहीं करेंगे, उस फ़ोन पर आपको कैमरा भी अच्छा चाहिए होगा। आप लोग फ़ोटोज़ भी खींचते तो होंगे, जो गेमिंग करते हैं उनको भी कैमरा तो अच्छा चाहिए ही होता है। तो यहाँ पर कैमरे में दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा सेंसर यूज़ हो सकता था, लेकिन यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का वही यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, उसके अलावा कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। और दूसरा, यहाँ पर एमोलेड स्क्रीन होती तो और भी अच्छा होता, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं है। खैर, यहाँ पर कमियाँ भी काफ़ी सारी है, लेकिन अच्छे फीचर्स भी काफ़ी सारे हैं। ये चीपेस्ट स्नैपड्रैगन 778 वाला स्मार्टफोन है। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही वीडियोज़ आपको डेली देखने को मिलते रहेंगे।